जी व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं एक और एक्टिव मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दरबंद ग्राउंड के, माशाल्लाह बड़ी कामिश है इन नौजवानों की, ताजीम शाह मेरे साथ मौजूद हैं, तो बाकी सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम ताजीम शाह। बहुत शुक्रिया आज न्यूज को टाइम देने का। ताजीम शाह, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जेपीटी के इस मेले का? जी सर, हम जेपीटी के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, और इस तरह के इवेंट हर साल होने चाहिए, और जेपीटी के जितने भी मेम्बरान हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनके मशहूर हैं जो इन्होंने यंग जनरेशन को आगे आने का चांस दिया। और ये बहुत अच्छा फैसला था कि एक यूसी से दो टीमें, जो कि इसमें हर टीम के प्लेयर्स को ये पता चल जाता है कि किस में कितनी सलाहियत मौजूद है, और जेपीटी से इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और हम इंशाल्लाह जेपीटी के लिए जहाँ पे जेपीटी के बाकी मेम्बरान का पसीना लगेगा हम इंशाल्लाह अपना खून लगाएंगे जेपीटी के लिए। तो उनकी तमाम तर खिदमत, जो तमाम तर उनके मेम्बरान हैं उनकी खिदमत को दाद देते हैं, और इंशाल्लाह जेपीटी के लिए हम हर वक्त हाजिर। फाइनल के लिए आप लोगों को क्या दावत देना चाहेंगे? इंशाल्लाह फहर जमान आ रहे हैं, यासिर हमीद आ रहे हैं, और जीशान आ रहे हैं, और इसके साथ साथ शानी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी फाइनल के लिए मैं तमाम जो शौकीन क्रिकेट हैं तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह फाइनल में जरूर हिस्सा लें और इस मैच को एंजॉय करें, और अपनी टीम बिलखसूस तनावल की टीम को सपोर्ट करें, उसके साथ अगरोर की टीम है, हार जीत पार्ट ऑफ द गेम, जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, लेकिन अपनी टीम को सपोर्ट करने जरूर आएं, और जिरगा पाकिस्तान की हौसला अफजाई के लिए होगी जरूर तशरीफ लाएं, और इस मैच को एंजॉय करें, और जो इनामात काफ़ी सारे इनामात जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट ने जो कि तमाशाइयों के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं उसको एंजॉय करें, और इंशाल्लाह फाइनल में काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं अपने दरबंद साइड से इंशाल्लाह यकीन ये कह सकता हूँ कि आप तमाम जेरगा पाकिस्तान के जो मेम्बरान हैं उनको काफ़ी सारे तमाशे इंशाल्लाह होगी में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।